बालोद के गुरूर तहसील में कोविड 19 टीकाकरण का ट्रायल हुआ शुरू। विकास खंड गुरूर में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जी आर रावटे के मार्गदर्शन में खंड विप्र अधिकारी के आर उर्वशा, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर योगेश साहू एवं संजय मेश्राम द्वारा कोविड 19 टीकाकरण असल की आवश्यक तैयारी की गई, जो शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुरूप था, जिनका उद्देश्य आगामी 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोविड 19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए पूरा अभ्यास किया गया। जो अभी जो ट्रायल चल रहा है सर, इसके बारे में जानकारी देंगे। हाँ, ये ऐसा है कि वैश्विक महामारी जो कोविड 19 कोरोना है ना, ये एक वैश्विक महामारी है जिनका संक्रमण नियंत्रण और बचाव के लिए शासन स्तर पर बहुत सारे गतिविधियाँ की जा रही है। इनका अभी तक कोई पुख्ता इलाज का कोई वो निकला भी है दवाई। अभी जो हम आज मार्गदर्शन करने जा रहे हैं, आगामी दिनों में कोविड 19 टीकाकरण किया जाना है, जिनका पूरा अभ्यास आज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें सर जी, ये टीकाकरण कब तक आने का संभावना है? वैसे सुने हैं कि हमारे 16 जनवरी से टीकाकरण का कार्य हम संपादित करेंगे। सर, जो मार्क ड्रिल हो रहा है, क्या यह ग्रामीण स्तर में भी होगा? ये अपना ब्लॉक स्तर पे जो हमारे टीकाकरण कर्मी है ना, तो टीकाकरण हम संपादित करेंगे, उनके लिए पूरा अभ्यास है, जिससे कि हमें कुछ कमियां ना हो, पूरा माने तैयारी कर लें और हमारा टीकाकरण माने सुचारू रूप से चले। आपका शुभ नाम सर? मेरा शुभ नाम के आर कुरवा सर, BETO। इनके समय में जो भी ऑब्जर्वेशन करना है, जो भी तैयारियाँ रखना है और उसमें क्या क्या बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन होना है, उन सब के बारे में एक ड्राई रन था, मॉकड्रिल था जी, या रिहर्सल था, तो जिसमें हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ था और बहुत ही सफलतापूर्वक मॉकड्रिल का आयोजन किया गया है ना। इस मॉकड्रिल में हमारे सीएमओ साहब और जो नोडल हैं जिला का, श्री अभिषेक दीवान जी, DPM मैडम, DSO सर, डॉक्टर ग्लेड और SDM साहब श्रीवास्तव जी, ये सब यहाँ पे उपस्थित थे। और यहाँ पे हमारे पूरे ब्लॉक में 5 सेशन साइट रहेंगे, जो कि PSC और CSC ग्रुप शामिल रहेगा उसमें, और कुल टोटल 1093 लोगों को यहाँ पे वैक्सीनेशन होना है ना, जो कि पहले चरण में है ना, हेल्थ केयर वर्कर जो रहते हैं उनको इसमें वैक्सीनेशन किया जाएगा। उसके लिए हमारे पूरे ब्लॉक में हमारे विभाग के द्वारा पूरा तैयारी किया गया है और जितने भी हमारे निजी क्लिनिक हैं जिसका रजिस्ट्रेशन नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत किया गया है, और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो रहते हैं, नगर पंचायत के सफाई कर्मी, उन सबको इस वैक्सीनेशन में शामिल किया गया है और सभी लोगों का ऑनलाइन हमने पोर्टल में एंट्री किया हुआ है, और जिस दिन वैक्सीनेशन होगा उस दिन इन सबको इन्फॉर्मेशन भेजा जाएगा और उन्हीं लोगों को यहाँ पे आकर के वैक्सीनेशन करवाना है। और इसके लिए पूरा 3 रूम का हमने पूरा सेशन बनाए हुए हैं, जिसमें कि पहले में रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा जो कक्ष रहेगा वहाँ पे उनका टीकाकरण किया जाएगा, और टीकाकरण के बाद है ना वहाँ पे ऑब्जर्वेशन रूम रहेगा जहाँ पे अगर किसी को भी है ना प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, सबको नहीं, कभी कभी अगर हो जाता है तो उसका मैनेजमेंट के लिए उनका वहाँ पे निगरानी के लिए वहाँ पे एक टीम पूरा तैयार रहेगा। ठीक सर।